हेलो बच्चों, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। इट सेज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो यहां पे हमें कहा है कि अगर एक स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप पड़ा तो उसकी पोजीशन पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट अस मेक अ रफ स्केच ऑफ टेबल। तो लेट अस से दिस इज अ स्टडी टेबल और इसमें यहां पर इस पोजीशन पे एक स्टडी लैंप पड़ा हुआ है। और सपोज करते हैं कि ये जो अब मैं बनाने वाला हूं दिस वन, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है जो यहां पे बैठ के स्टडी कर रहा है। इस स्टूडेंट से ये लैंप मान लेते हैं कि 3 फीट दूर है और ये राइट हैंड साइड से यहां से ये 2 फीट दूर है। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे? ये हमारे पास, अगर मुझे इसकी पोजीशन को डिफाइन करना हो कि ये लैंप कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है इस टेबल पे इसकी पोजीशन क्या है, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे आंसर। तो हम कुछ ऐसे डिस्क्राइब करेंगे इसे कि द टेबल लैंप इज 3 फीट फ्रॉम सिटिंग, लेट अस राइट इट सिटिंग, ये हमारे पास है सिटिंग पोजीशन एंड 2 फीट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेबल। Hence, its position can be written as, तो हम कह सकते हैं so we can write the position of lamp as 3,2। दिस इज द पोजिशन ऑफ लैंप। तो हम जब भी यहां पर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3,2। तो लेट अस हाईलाइट दिस वन। तो जो भी हमारे पास पोजिशन आएगी सिटिंग पोजिशन से और राइट हैंड साइड से, वो हमारे पास होगी पोजिशन ऑफ लैंप। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।